मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 1। बच्चों, हमने पाठ 2 वर्ण विचार हमने पढ़ लिया था, समझा दिया था। उसके बाद आज हमें एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है, ठीक है? अभ्यास कार्य स्टार्ट करना है। सबसे पहले पेज निकालिए 16। पेज 16 में आप देखेंगे नीचे अभ्यास दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसमें आपको परिभाषाएं लिखनी हैं। सबसे पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? पेज 11 में दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? इसका आंसर के लिए आप लोग पेज निकालेंगे 14। पेज 14 में दिया हुआ है व्यंजन, तो इसका उत्तर है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। पेज 14 में व्यंजन के नीचे फर्स्ट लाइन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। क्या है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। नीचे इसी व्यंजन के नीचे ही संयुक्त व्यंजन देखेंगे आप, दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो पहला पार्ट है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है, उदाहरण सहित लिखिए। आप उसे उदाहरण मांग रहे हैं, आप उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, श, क प्लस श इज इक्वल टू श। आप सिंपल ये उदाहरण लिख सकते हैं, दूसरा श्र का भी लिख सकते हैं, श और र, श्र, श प्लस र, श्र, क प्लस श, श, कोई भी दो, इन चारों में से कोई भी दो उदाहरण आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ र, ऊपर से र का प्रयोग करके 3 शब्द लिखिए, ठीक है? अब देखेंगे पेज नंबर 15, र वर्ण का संयोग, ठीक है? इसमें सबसे पहले रेफ इसी का दिया हुआ है, जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, ऐसी स्थिति में इसका रूप र हो जाता है, इसे रेफ फ कहते हैं। जैसे म प्लस र प्लस म इज इक्वल टू मर्म, श प्लस र प्लस म इज इक्वल टू शर्म, ऐसे कोई भी ये दोनों में से कोई भी दो उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? लिखिए, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पाठ के स्टार्टिंग में आपको बताया था, पाठ के वर्ण विचार जब हमने स्टार्ट किया था उसके बाद पेज निकालिए 12, मूल व्यंजन, उसमें दिया हुआ है ऊष्म व्यंजन, नीचे मिला मूल व्यंजन, पेज 12 में ऊष्म व्यंजन। तो क्या प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? लिखिए, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क पार्ट खत्म हो गया, अब हम ख पे आते हैं, ये संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों के योग से बने हैं? अब ये श है, क्षत्रिय वाला श, ये किसके योग से बना है? अभी नीचे पढ़ा था हमने, फिर दोबारा से देख लेंगे, पेज नंबर 14 में, श किसके मेल से बना है? क हलंत प्लस श हलंत। उसके बाद ज्ञ किसके मेल से बना है? ज हलंत प्लस न हलंत। त्र किसके मेल से बना है? त हलंत प्लस र हलंत। श्र श्रमिक शब्द से बनता है, श्र वाला श किसके मेल से बना है? श हलंत प्लस र हलंत। अब हम आगे हैं पेज 17, ग पाठ, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्ण का अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। अब है, पहला है चांदनी लिखा हुआ है, अब चांदनी नहीं चांदनी होता है, चांदनी में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो चांदनी बन जाता है, तो इसमें चंद्र बिंदु लगेगा।
पंख, पख है, पंख लगेगा इसमें, क्या लगेगा, पंख, ठीक है। मैंने में तुम लोगों को पढ़ाया था अनुस्वार बोलते हैं जहाँ खाली बिंदु लगता है, और अनुनासिक हम चंद्र बिंदु को बोलते हैं। अनुस्वार बोलते हैं जहाँ अंग की मात्रा लगती है, और अनुनासिक जहाँ चंद्र बिंदु लगता है। तो पंख, पख में हम अनुस्वार लगाएंगे, पंख बिंदु लगेगा। अंगूठी, अंगूठी में भी बिंदु लगेगा। बंदर, बंदर में भी बिंदु लगेगा। मुँह, मुँह में चंद्र बिंदु लगेगा। चंचल में बिंदु लगेगा। कुआं में चंद्र बिंदु लगेगा। और संतरा में बिंदु लगेगा। अब हम आ गए घ पाठ में। दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग कीजिए। अब ये वर्ण विच्छेद है जो आप पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं। प्रेम, प्रेम में प हलंत प्लस र, ए प हलंत प्लस र प्लस आई प्लस म हलंत प्लस अ। श्रमिक, श हलंत र हलंत अ प्लस म हलंत ई क हलंत प्लस अ। कार्य, क हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। क्षत्रिय, क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, त हलंत प्लस र हलंत प्लस ई प्लस य हलंत प्लस अ। ऐसे पांच शब्द लिखिए जिनमें द्वित व्यंजन का प्रयोग हो। द्वित व्यंजन भी हमने पढ़े थे पाठ में। द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? जहाँ दो शब्द एक जैसे होते हैं, एक शब्द आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। ऐसे ही हमने पांच शब्द नीचे बनाए हैं। पत्ता, सच्चा, कच्चा, बच्चा, छत्ता। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। किस शब्द पर चंद्रबिंदु अनुनासिक लगा है? किस पर लगा है? हंसना पर लगा है, तो हंसना। किस शब्द पर अनुस्वार का चिन्ह लगा है? अनुस्वार क्या होता है? बिंदु। अंक पर लगा है, अंक। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए नहीं किए जा सकते, इसको और हम छोटा नहीं तोड़ सकते, वो है वर्ण। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन सा होता है? कौन से थे दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर थे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? ओ दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, तो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। बच्चों आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ये पाठ भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। पाठ दो कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन भी कर दिया, एक्सरसाइजेस भी करा दी हैं। आज आपको होमवर्क में ये सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में करनी है। ये पूरी ए क से लेके च तक, क ख ग घ ण च, ये एक छः एक्सरसाइजेस हैं। ये आज आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।